हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी और मच्छी का शेर से एक मज़ेदार रेसिपी। लौकी और मच्छी का शेर का रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी को ऐसे बारीक बारीक काट कर ले लिया लिया है मैंने यहाँ पर एक मच्छी का शेर। मैं मच्छी का शेर को अभी फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैं हल्दी नमक मिला लूँगी मच्छी के शेर पर। मैंने ये हल्दी नमक मच्छी के शेर के ऊपर मैंने लगा लिया। अब अच्छे से हाथ से मैं मिलाऊंगी। अभी मैं पहले गैस को ऑन कर लेती हूँ। कढ़ाई को मैंने गैस पर लगा लिया। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं तेल ऐड करूँगी। मेरा कढ़ाई ऐड कर लिया। अभी मैं तेल गर्म होने तक इंतज़ार करूँगी। मैं अच्छे से अभी मच्छी का शेर को मैं फ्राई करूँगी। गोल्डन में ब्राउन कलर होने तक मैं ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। देखिए मेरा अच्छा फ्राई हो चुका है। मेरा मिट्टी का शेर फ्राई हो चुका है। अब मैं निकाल लूँगी। अब मैं ही तेल पर हरी सूखी मिर्च, अदरक लहसुन में ऐड कर लूँगी। सूखी मिर्च, लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा पाँच फूरन, तेज पत्ता मैं ऐड कर लिया। अच्छे से चला लूँगी। अभी मैं ऐड करूँगी अदरक अदरक लहसुन और भी मैं थोड़ा टाइम तक ये चला लूँगी। अच्छे से मैं चला लूँगी अदरक लहसुन का जो कच। देखिए मेरा अदरक लहसुन पक गया है, कच्चे वाला स्मेल भी चला गया। अब मैं ऐड करूँगी लौकी। लौकी को मैंने थोड़ा सा हल्दी मिला के पहले से रख दिया था। अभी मैं थोड़ा टाइम तक ये चला लूँगी। अभी मैं ढक कर ये 2 मिनट तक पकाऊंगी। ढक्कन लगा लिया, ऐसे 2 मिनट तक मैं ऐसे पकाऊंगी ढक कर। 2 मिनट के बाद मैं मसाला ऐड करूंगी। बीच बीच में मैं चेक करती रहूंगी, चेक कर लेती हूँ एक बार। अब मैं मसाला ऐड करूँगी। अब मैं मसाला ऐड करने जा रही हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब मैं एक बार अच्छे से चला लूँगी कढ़ाई पर। नमक मैं तुरंत बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ मच्छी का शेर। अभी मैं फिर से चला लूँगी। चला के मैं 20 से 30 सेकंड तक इसे ढक कर पकाऊँगी। 20 से 30 सेकंड तक इसे ढक कर पकाऊँगी। यह लौकी का सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है।
और पकता भी बहुत ही जल्दी है और बॉईल भी बहुत अच्छे से हो जाता है जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये सब्ज़ी चावल रोटी पराठा के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग एक बार घर पर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है पराठा रोटी चावल के साथ खाने में। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। अब मैं ऐड करूँगी नमक, वो भी अपने स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा भी ऐड किया, अभी मैं चला लूँगी थोड़ा। अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जैसा शक्कर, मैं चला लूँगी फिर से। ऑलमोस्ट मेरा लौकी का सब्जी बनकर रेडी हो गया है, अब मैं निकाल लूँगी एक बॉल पर। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है और कितना बिल्कुल भी कितना अच्छे से बॉयल हो गया है लौकी का सब्जी। ये रोटी चावल पराठा के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे आगे का वीडियो पाने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो के साथ कोई नई रेसिपी लेके।